नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक फिल्म के बारे में, नाम है गैसलाइट। ये फिल्म सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई है। डायरेक्टर है पवन कृपलानी। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और हम देखते हैं मीसा यानी सारा अली खान को। कई वर्षों बाद वो अपने महल आई हैं, लेकिन यहाँ उनके पिता नहीं हैं, स्टेप मॉम है, और उनको ये बताया जाता है कि उनके पिता कहीं बाहर गए हैं, 3-4 दिनों में वापस लौट करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ सारा अली खान के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, कुछ विचित्र आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं और उसे एक फीलिंग आती है कि उसके पिता के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, जिसमें महल के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। तो क्या उसका ये जो शक है वो सही था? क्या वाकई उसके पिता के साथ कुछ हुआ था या फिर एक और ही कहानी थी, कुछ और ही बात थी? यही चीज़ें आप इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है वो अच्छी है और डायरेक्शन भी अच्छा है। डायरेक्टर पवन कृपलानी ने शुरुआत से ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट किया है और यहाँ जो हॉरर है वो आप काफ़ी अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ सस्पेंस तो है ही, एक सवाल तो है ही कि आखिर मीसा के पिता कहाँ हैं या उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन साथ ही जो चीज़ें यहाँ रखी गई हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं। जैसे एक बड़ा सा महल है, यहाँ अंधेरा है, कुछ विचित्र सी आवाज़ें आती हैं, दरवाज़ा खुलता है, कोई भागता हुआ दिखता है जिसके हाथ में गैस लाइट है, और ये सब चीज़ें मिल करके एक अच्छा इम्पैक्ट खड़ा करती हैं हॉरर का। लेकिन बाद में ये हॉरर का एलिमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन सस्पेंस और थ्रिल अपनी जगह पर बना रहता है। फिर एक वक्त के बाद एक यहां बड़ा खुलासा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह जो खुलासा है वो सीधे सीधे कर दिया गया या अचानक ही कर दिया गया। अगर इसके लिए भी कुछ बिल्डअप करते तो ठीक रहता। और दोस्तों फिर फिल्म के क्लाइमेक्स में कई सारी बातें खुलती हैं, कई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर लगती हैं, लॉजिकली थोड़ी कमज़ोर लगती हैं, जो रीजनिंग दी जा रही है वो कमज़ोर है। और जो पूरी फिल्म के हिसाब से एक क्लाइमेक्स होना चाहिए था, एक ज़बरदस्त क्लाइमेक्स होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक दो लूज एंड्स भी आपको दिखते हैं और यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो प्रेडिक्टेबल भी हैं। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद ये एक अच्छी फिल्म है, एक थ्रिलिंग और एंगेजिंग फिल्म है। देख करके मुझे तो मज़ा आया, आपको भी आएगा। और दोस्तों अगर अभिनय के हिसाब से देखें तो यहाँ सारा अली खान है, उन्होंने अच्छा काम किया है। विक्रांत मेसी बहुत ज़बरदस्त यहाँ लगे हैं, और जो विक्रांत मेसी के चेहरे पे मासूमियत है, जो भोलापन है, वो उनकी एक यूएसपी भी हो सकती है। यहाँ भी उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा चित्रांगदा सिंह है या अक्षय ओबराय है, इन लोगों ने अपना काम अच्छे से किया है। राहुल देव है यहाँ, लेकिन उनके लिए करने के लिए कुछ खास यहां था नहीं। तकनीकी तौर पे देखें तो भी ये फिल्म आपको अच्छी दिखती है। जो म्यूजिक का डिपार्टमेंट है, बैकग्राउंड स्कोर है यहां, या जो भी यहां आवाजें क्रिएट की गई हैं वो सब काफी इंपैक्टफुल है। तो दोस्तों ये फिल्म है करीब 1 घंटा 50 मिनट की, आमतौर पर साफ सुथरी फिल्म है, और इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।